तो अभी अभी आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आपने सुना। 14 अप्रैल तमाम उन बातों का जिक्र किया गया जो पहले के मैनिफेस्टो में वादे किए गए उन्हें सरकार ने पूरा किया। अब चूंकि आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है तो आज के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा इस पर नजर बनी हुई है लगातार। फिलहाल ये मंच की तस्वीर आप देख लीजिए जहां पर मैनिफेस्टो को खोलते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के सभी बड़े नेताओं को देख सकते हैं जो इस वक्त मंच पर मौजूद। मैनिफेस्टो ये वही मैनिफेस्टो है जिसके जरिए ये लक्ष्य रखा जा रहा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प आताओं के, और ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के नेता लोग। बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, मैनिफेस्टो आज जारी किया जा रहा है। आज का दिन बहुत सोच समझकर इसका चयन किया गया है। नवरात्रि भी चल रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, पिछली बार की बात करें तो 5 अप्रैल को पिछली बार मैनिफेस्टो बीजेपी ने अपना जारी किया था 2019 की अगर बात करें तो। अब 2024 में आज का दिन चुना गया, 14 अप्रैल का दिन चुना गया और अब आप देख सकते हैं मंच पर तस्वीरें जिसमें सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के हाथ में ये मैनिफेस्टो की कॉपी, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी के हाथ में बीजेपी का वो संकल्प पत्र जिसे आगे के लिए अब बीजेपी जारी करने के साथ ही, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता, ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं होता, ये उन सभी चीजों की एक लिस्ट होती है, विजन होता है जिसे, वही आज यहां पर जो है बताया जा रहा है कि ये संकल्प पत्र उसी का एक हिस्सा है, मोदी की गारंटी का एक हिस्सा है। तो देख सकते हैं आप पांचों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें मंच पर आपने देखा और अब ये मैनिफेस्टो जनता को समर्पित, जनता के लिए मैनिफेस्टो ये जारी किया जा रहा है। अगले 5 सालों का अपना विजन सरकार बता रखी है। तो पीएम मोदी मंच पर, बीजेपी मुख्यालय से दरअसल ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और 24 के लिए ऐलान किए गए हैं इस मैनिफेस्टो में कि 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो ऐसे में अगले 5 सालों का खाका तैयार किया गया है कि अगले 5 सालों तक कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है,